आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तुएं नीचे गिरती हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है। जैसे ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक को जब हम ऊपर ले जाके नीचे की ओर फेंकते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुस्तक एक समान गति से नीचे की ओर गिरती है। ये देखिए, एक पुस्तक एक समान गति से नीचे ओर गिरी। इसी तरह जब हम कोई दूसरी चीज लेते हैं, जैसे ये एक कैंची का टुकड़ा है और एक ही है पेन, ये दोनों लगभग समान भार के हैं, इसको हम नीचे छोड़ते हैं तो हम देखते हैं ये चीजें भी एक समान गति से नीचे की ओर गिरती हैं। और ये देखा हमने कि दोनों चीजें एक साथ नीचे गिरी। लेकिन जब हम किसी हल्की चीज को लेते हैं, जैसे सपोज ये कागज का टुकड़ा है, इसको हम लेते हैं और हाथ से छोड़ते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। अब ये कागज का टुकड़ा बहुत धीमी गति से नीचे की ओर गिरा। ऐसा क्यों हुआ? होता क्या है कि जब हम कागज के टुकड़े को लेके हम हल छोड़ते हैं तो कागज के टुकड़े के आसपास वायु होती है और वायु में स्थित जो वायु के अणु हैं वो इस कागज से टकराते हैं, यानी कि टकराने से अवरोध पैदा करते हैं और इसी अवरोध के कारण जो ये कागज है वो धीमी गति से नीचे गिर पाता है। लेकिन जब इस कागज के टुकड़े को हम मोड़ देते हैं, मोड़ के एक हम छोटी गोली का रूप देते हैं, ये देखिए इस कागज को हमने, वही कागज है उतने ही भार का, इसको हमने छोटी गोली का रूप दे दिया और अब हम इसको छोड़ते हैं तो देखते हैं किस गति से नीचे जाता है। तो आपने देखा कि जब हमने कागज के टुकड़े को मोड़ के एक छोटी गोली का रूप दे दिया तो कागज का जो भार और गोली का भार एक ही था, उसके बावजूद गोली जो है तेजी से नीचे आई। ऐसा क्यों हुआ? हुआ क्या कि जब हमने इस गोली को मोड़ के ये रूप दिया तो उसका क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम हो गया। तो जब गोली नीचे की तरफ गिरती है तो जो वायु के अणु हैं जो इसे टकराएंगे वो भी न्यूनतम अणु टकराते हैं, इसलिए अवरोध भी होता है वो भी न्यूनतम होता है, इसलिए जो गोली है वो तेजी से नीचे गिर जाती है।